अमरपाटन के झूरा गांव में पूर्व सरपंच सोमदत्त के कार्यों से ग्रामीण काफी संतुष्ट है। ग्रामीण से बात करने पर वो पूर्व सरपंच सोमदत्त साकेत के कार्यों की सराहना करते नजर आए। ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पूर्व सरपंच सोमदत्त साकेत ने हर मुमकिन कोशिश की है। गांव के विकास के साथ साथ पूर्व सरपंच सोमदत्त साकेत ग्रामीणों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैहर तहसील सतना जिला के मैहर तहसील ग्राम जूरा में जहां के सरपंच के द्वारा कराए गए कार्य के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए हम बताते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि जूरा ग्राम में सरपंच के द्वारा क्या काम कराया गया है। जी बताइए, आपका नाम? परसोत्तम भाई। मकान बना है आपका? हाँ, बना। योजना के तहत बना हुआ है? हाँ। सरपंच साहब ने बनाया? हाँ, बना। सरपंच साहब का नाम? सोमदत्त साकेत साहब ने ये मकान को बनवाया है। पूरी सुविधा दी है? हाँ। लेटरिन वगैरह सब बना हुआ है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज बंसल जी बताइए, यहाँ के सरपंच साहब कैसे कार्य कर रहे हैं? अच्छा कार्य कर रहे हैं। अच्छा कार्य कर रहे हैं। यहाँ जो भी योजनाएं के तहत घर वगैरह और लेटरिन वगैरह जो बनाई जा रही है, तो क्या अब मिल रहा है? पूरा बन रहा है आपसे? हाँ, बन रहा है, बन रहा है। और जो वृद्धा पेंशन और भी जो पेंशन होते हैं, तो क्या वो सब सुविधाएं मिल रही है सरपंच साहब के द्वारा? हाँ, वृद्धा पेंशन। मतलब सरपंच साहब की कार्यशैली से आप खुश हैं? जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? विश्वनाथ साकेत। जी साकेत जी बताइए कि सरपंच साहब की कैसी कार्यशैली चल रही है? सरपंच साहब की अच्छी चल रही है, जो भी काम यहाँ का है अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है जी, चलिए ठीक है। और मकान में जो पेंशन वगैरह, मकान वगैरह, भवन निर्माण का काम जितना भी है, सब उन्हीं का देन है। अच्छा, कोई कमीशन वगैरह तो नहीं मांगा जाता? अरे कोई कुछ नहीं। अच्छा, पूरा मतलब सत्य तरीके से काम किया जा रहा है? बहुत बढ़िया। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? नहीं, कुछ नहीं कहने। इस बार चुनाव किसको लड़वा रहे हैं भाई? जो समय आएगा वही लड़ेगी। अच्छा, जो उनका सीट मिलेगा तो वही लड़ेगी। अच्छा, आज अगर वो किसी का सपोर्ट करते हैं तो वही है। अच्छा, वही है सपोर्ट कर। हाँ माताराम बताइए, सरपंच साहब का काम कैसा रहा? ठीक रहा है। अच्छा रहा है? पेंशन वगैरह सब मिल रही है सबको? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं? किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है? मतलब पेंशन वगैरह सब मिल रही है? जी आप बताइए। ठीक है, अच्छा है सब। सरपंच साहब का काम सही चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भैया। अच्छा, आप लोग सहयोग करेंगे सरपंच साहब को? ठीक है, अगर सरपंच साहब किसी दूसरे को सहयोग करते हैं चुनाव में तो करेंगे, आप लोग ही करेंगे? मतलब आप लोगों को इस ग्राम में सरपंच कौन चाहिए? हम तो चाहते हैं सरपंच वही सरपंच रहे। हाँ। जो पूर्व में जो अभी सरपंच है। हाँ। वही सरपंच। हाँ। आप सब लोग चाहते हैं? काम करता आदमी सही है, आरसीसी बन पा रहे हैं और पूरा गांव का विकास कर रहे हैं। हाँ। पूरे तरीके से काम करवा रहे हैं सरपंच साहब? जी हाँ। अच्छा, तो लॉकडाउन वगैरह में भी काफी सहायता जो आई थी शासन की तरफ से प्राप्त हुई आप लोगों को? जी सब चीजें प्राप्त हुई। हाँ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आप लोग पत्ती बना देते हो गल्ला का? पूछ लिया मिलती है गल्ला पानी सब मिलता है? सब मिलता है आपको? जैसे आप मजदूरी करते हैं तो सरपंच साहब की तरफ से कोई आपको परेशानी तो परेशान तो नहीं किया जाता? नहीं, को हमारे सरपंच साहब पूरा हेल्प कर रहे हैं, पूरी हेल्प करते हैं, पूरी सहायता करते हैं। चुनाव आने वाले हैं फिर से, तो आगे आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति जो मेरी है बहुत जबरदस्त तरीके से है। मैं जनपद का जिस क्षेत्र से रह रहा हूँ, लगातार हर गांव में 10-10 लोगों को मैंने टीम लगा दिया हूँ। वो लोग मेहनत कर रहे हैं, वहाँ का नाम नंबर मोबाइल नंबर ले रहे हैं, उनकी समस्याएं खिलाने मैंने रजिस्टर भिजवा दिया हूँ, पैन कार्ड की डायरिया भिजवा दिया हूँ। और पांच मेरा कार्यालय जो है तो नागर में 1 तारीख को ओपनिंग होना है, जिससे कटिया दिगरा दुबेही सिवापट्टी नादन और एक बरहिया से मिली जमताल ये लग रहे हैं, तो सेंटर में है। और वहाँ पे मेरे कार्यालय बहुत बड़ा कार्यालय खुल रहा है, वहाँ से मैं संचालन संधारण करूंगा और लोगों की समस्याएं सुनूंगा और जितना मेरे से बन सकेगा तो मैं तन मन धन से उनका सहयोग करूंगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैहर तहसील।